जब आप गवाही के साथ आए तो ऐसे ही नाचते कूदते परमेश्वर की स्तुति करते हुए आए, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है और वो अद्भुत कार्य करने वाला है, करने वाला है, कार्य करने वाला है। हो रहा बाला शीदा रखा बाबा रसी दबा ने नमा नीमती बीबी शीदी बीरी रीबा हो रहा बाला शीदा बाबा रसी दबी ने नीमी ती बाला बाबा बाथा ना खबर ओ सबा इंदी बीनी नीमा था बाबा लसी दबा ला लाबा स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो। सब लोग धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वयं पहले हम बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग देंगे और उसके बाद इस गवाही को सुनेंगे। हे जीवते परमेश्वर पिता, इस बच्चे को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आत्महान परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। आपने इस बच्चे को एक नया जीवन दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बच्चा जीवन भर सुरक्षित रहे, आपके स्वर्गदूत इसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखें मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे प्रभु मेरे महान परमेश्वर पिता, जीवन भर ये आपका बना रहे मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा देने वाला बना रहे जीवन भर। आप इसकी रक्षा करें मेरे परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूत इसके चारों ओर रहें मेरे परमेश्वर पिता, और आपकी ब्लेसिंग हमेशा इसके संग बनी रहे, ये मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बच्चे की पहले मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूं, जो ऑनलाइन है वो इस फोटो को देख सकेंगे और आप लोग बाद में इस फोटो को देख सकते हैं। रमन, जल्दी से। तो हाँ, आप बताइएगा।
हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की। हां जी असी गवाही देना चाहते हैं परमेश्वर द्वारे कि साडा बच्चा बहुत सीरियस सीगा, वेंटी ते सी भी डॉक्टर ने जवाब देता सी, कहिंदे 100% चो 20% बच्चा रह गया। असी परमेश्वर तो अगे भी पास्टर जी तो प्रार्थना कराई भी पास्टर जी आ गल हो गई है, पास्टर जी ने प्रार्थना की ते साढ़े 2 घंटे बाद डॉक्टर कहिंदे बच्चा थोड़ा बहुत ठीक है अगे ना। हालेलुया। सो ये बच्चा वेंटिलेशन पे था और डॉक्टरों ने 1 साल से अमीर छोड़ी हुई थी और डॉक्टरों के हाथ खड़े थे। तो ये बहन आपकी बेटी का है बच्चा? हाँ जी। तो इनकी बेटी का जो ये बेटा है तो ये बहन मेरे पास आए और इन्होंने मुझे मोबाइल पर फोटो दिखाई कि ये बच्चा जो है वेंटिलेशन पे है और डॉक्टरों ने तो कहा भी बस आप इसे ले जा सकते हैं। और उस फोटो के ऊपर जब हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की, मुझे मालूम था कि परमेश्वर से इस बच्चे को जीवन देने जा रहे हैं। मैंने ने कहा कि ये फोटो जो है वो हमें आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, हम लोग प्रार्थना करेंगे बाद में भी। और मुझे मालूम था कि ये फोटो जो है ये एक गवाही के रूप में काम करेगी। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया था कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त रहेगा, इसको मैं जीवन देने जा रहा हूं। तो परमेश्वर ने उसी समय से ब्लेस कर दिया और इस गवाही के लिए ये फोटो जो है हम लोग रखी और आपको हम लोग दिखा रहे हैं, लाइव में आप देख सकेंगे। और परमेश्वर ने इस बच्चे को ब्लेस किया, परमेश्वर ने इस बच्चे को नया जीवन दिया और ये सब लोग बड़े आनंद के साथ आज हमारे बीच में हैं, बड़े ढोल लेकर नाचते हुए जैसे पंजाबी गवाही देते हैं वो वाली गवाही लेकर आज हमारे बीच में आए हैं। सो परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दी। सो ये हाँ बोलिए कुछ, आप आपको मालूम था क्या बच्चा कहाँ पर है? नहीं मेरे को नहीं। तेरे को बताया नहीं इन्होंने? नहीं मेरे। सो इन्होंने ये माँ है इस बच्चे की और इसको इन्होंने नहीं बताया था कि बच्चा जो है वो इतना सीरियस है, इतना गंभीर हालात में है। और लेकिन आपको बाद में बताया इन्होंने कि ऐसे ऐसे हाल हो गया था। हाँ जी। तो आपके दिल में क्या हो रहा था? आप भी कैसी ऐसी मतलब भयंकर स्थिति में से वो बाहर निकला, मतलब पैदा होता ही युद्ध लड़ रहा था जिंदगी के साथ और वेंटिलेशन पे था। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने इस बच्चे को जीवन दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे।